इंदौर में शराब कारोबारी गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनामी राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए करने जा रही है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कीम नंबर 78 में शराब सिंडिकेट कार्यालय पर शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को गोली मारने के मामले में मुख्य आरोपी चिंटू ठाकुर और सतीश भाऊ को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पप्पू उर्फ प्रमोद और गोविंद गहलोत सहित एक अन्य आरोपी को भी धर दबोचा है, जिनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। एसपी पूर्व आशुतोष बागरी के अनुसार पकड़ाए 3 आरोपियों में से एक सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। आरोपियों से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों की पहचान कराई गई है, उसमें से भी कुछ और लोगों को मुलजिम बनाया गया है। वहीं अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी के अनुसार उक्त घटना में जिस किसी भी भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब ठेकेदारों के सिंडिकेट ऑफिस में जो गोली चलने की घटना हुई थी, उस पर 307 का मुकदमा कायम किया गया है और अभी तक उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 2 इसमें मुख्य आरोपी हैं, चिंटू ठाकुर और सतीश भाऊ। इसके अलावा 3 जो लोग हैं वो इन्हीं में से चिंटू ठाकुर और सतीश भाऊ के ही लोग थे। उनमें से एक आदमी ऐसा जिसके जो वीडियो फुटेज में पिस्टल ये दिख रहा है। दूसरी बात, इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जो है सीसीटीवी फुटेज में पहचान कराई गई है और पहचान कराने के बाद जितने लोग बैठे हैं उन सभी का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। और जो लोग हथियार के साथ में और आक्रामक मुद्रा में दिख रहे हैं, जिनकी इसमें भूमिका डायरेक्ट भूमिका समझ में आ रही है, उनको मुलजिम बना दिया गया है। इसके अलावा जो लोग उसमें शांति से बैठे हुए हैं या कि डर करके अपने आप को छिपाने का यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, उनकी भूमिका के संबंध में जांच की जा रही है, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनमें से यदि किसी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी समझ में आती है तो उनको बिल्कुल आरोपी बनाया जाएगा। और इसके उपरांत यदि बाहर उस सिंडिकेट ऑफिस से बाहर यदि कोई रहा था और इसकी कोई भूमिका आती है तो उसकी भी जो है जांच की जाएगी। तो इसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन प्लान हम लोगों ने तैयार किया है और उसी के तहत हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा हो और माननीय न्यायालय में हमारा आरोप पत्र इतना मजबूत हो कि न्यायालय के माध्यम से हम इन्हें सजा दिलवा पाएं। गोलीकांड मामले में कई आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन पर पुलिस इनाम बढ़ाकर 20,000 रुपए करने जा रही है। एसपी के अनुसार फरार आरोपियों की मदद करने वालों पर भी पुलिस की नज़र है। इसमें जो है हमने बताया आपको कि 3 तो पहले से ही उसमें नामजद थे, चिंटू ठाकुर, हेमू ठाकुर और सतीश भाऊ। इसके अलावा जो लोग उसमें हथियार लिए दिख रहे हैं या कि आक्रामक मुद्रा में उसकी तरफ लपके हैं, उन सबको उसमें मुलजिम बनाया गया है। गौरतलब है कि शराब कारोबारी की बैठक के दौरान विवाद हो गया था, जिसमें अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी गई। वहीं गोलीकांड की घटना से नाराज अर्जुन ठाकुर के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।